आप देखना शुरू कर चुके हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी, हमारे साथ उपेंद्र हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं आज के धरना प्रदर्शन को लेकर के, क्योंकि आज जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में राजद समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का धरना था, लेकिन आपको बता दें कि पटना सिटी में जहां भाकपा माले के द्वारा प्रदर्शन किया गया, वहीं पटना के गांधी मैदान में राजद के द्वारा प्रदर्शन किया गया। हालांकि प्रशासन द्वारा मनाही के बावजूद भी वहां पर सुबह से ही कार्यकर्ता मौजूद रहे, गांधी मैदान के अंदर जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में गेट पर ताला लगा दिया गया, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता और नेता जो हैं गेट के बाहर प्रदर्शन करने लगे, गेट नंबर 4 के बाहर। वहीं इसके बाद तेजस्वी यादव वहां पर गेट के बाहर आकर के वहां पर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात जो है वो हम आपको बता देते हैं, जिस तरह से राजद समेत तमाम विपक्षी पार्टियों का बिहार में प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ तो अगर कहा जाए तो दिल्ली में लगातार वार्ताओं का दौर जारी है, और किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों का कहना है कि इस बार अब वो आर पार के मूड में है। वहीं बिहार में भी अब प्रदर्शन हो रहा है किसानों के मुद्दे को लेकर के, लेकिन जिनके मुद्दे को लेकर के बिहार में प्रदर्शन हो रहा है वही किसान नदारद हैं, वो किसान नहीं दिखे आज के प्रदर्शन में। उपेंद्र जी ने पूरी खबरों को कवरेज किया है, उनसे जानते हैं कैसा रहा आज का प्रदर्शन, और क्या उनको अपने कवरेज के दौरान किसान उन्हें दिखे या फिर सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेता दिखे। उपेंद्र जी बताएं कैसा रहा प्रदर्शन, क्या आप प्रदर्शन के दौरान आपको किसान दिखे? देखिए, किसान तो प्रदर्शन के दौरान नहीं दिखे, इसलिए कि जब हमारे अगर भारत के जो संस्कृति है किसान की, अगर जो पहनावा है उस भेष में तो कहीं नहीं दिखे, लेकिन जिस वेशभूषा में आए हुए थे लोग वो किसी, लग रहा था किसी पार्टी के लोग हैं, अब महागठबंधन के लोग ही थे, लेकिन किसान अपने किसान का जो रूप रंग होता है वो तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर और प्रदर्शन कर रहे हैं मांग को लेकर, और जिस तरह से भीड़ लगा हुआ है, उस तरह से लग रहा है कि एक तरफ बिहार सरकार निर्देश दे रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और दूसरी तरफ भीड़ भाड़ लगाया जा रहा है और किसान आरजेडी के द्वारा मांग को उठाया जा रहा है। तो इस तरह से किसान कहीं दिखे नहीं, लेकिन पार्टी के लोग, महागठबंधन के लोग ही थे, चाहे वो राजद से हो या कांग्रेस हो, ये महागठबंधन के लोग ही थे, किसान कोई स्पेशल उसके लिए नहीं आए हुए थे, इन्हीं बीच के लोग थे जो महागठबंधन के लोग हैं, कार्यकर्ता लोग थे और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। तो किसान तो नहीं दिख रहे थे, क्योंकि किसान के पहनावे और ओढ़ावे से पता चल जाता है किसान है, लेकिन विपक्षी पार्टी के जो भी नेता थे वो किसान के वेशभूषा बनाने की कोशिश जरूर करते रहे, और प्रदर्शन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारेबाजी की। लेकिन हम आपको एक चीज बता देते हैं कि MSP को लेकर के किसान विरोध कर रहे हैं, MSP जो है उसे जारी किया जाए जैसा पहले होता आ रहा है, इसी को लेकर के किसान विरोध कर रहे हैं और यही मांग। इसके अलावा दो और कानून है उसको भी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में मंडी सिस्टम साल 2006 से ही खत्म किया जा चुका है, नीतीश कुमार का शासनकाल था और तब से ही ये खत्म किया जा चुका और यही वजह है कि बिहार में किसानों का प्रदर्शन ना के बराबर दिख रहा है। क्या लगता है कि बिहार में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी तो इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान बिहार में अभी किसान को देखा जाए, विपक्ष ही सवाल उठा रहे हैं, अगर किसान को देखा जाए तो किसान अभी कहीं भी ऐसा सुनने में नहीं आया। और दूसरी बात है कि अभी जो फसल कट रहे हैं सब किसान उसमें लगे हुए हैं, और कहीं किसान रोड पे अभी नहीं आए, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहे हैं किसान, बिहार के किसान को लेकर। लेकिन आपको बता दें कि जब कोई भी कानून केंद्र सरकार बनाती है तो पूरे देश पर लागू नियम होता है, सारे किसान पर लागू होता है, और जो किसान रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं चाहे वो हरियाणा से हो या पंजाब से हो, तो उसका असर अगर देखा जाए तो पूरे भारत के किसान पर पड़ रहा है, और किसान ना खुश भी है। इस तरह से जो भारत सरकार कानून लागू कर रही है किसान खुश नहीं है इससे, क्योंकि किसान सब एक ही है और ये जब नियम लागू होगा तो सारे लोगों को फॉलो करना होगा, तो इससे किसान बिहार के भी ना खुश ही है। आज दिल्ली की बात करें तो आज ये मीटिंग है, जिस तरह से किसानों के द्वारा संकेत दिया जा रहा है कि आर पार की लड़ाई है आखिरी बातचीत है, क्योंकि बार बार सरकार के द्वारा बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है। अब अगर लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि संसद सत्र अभी नहीं चल रहा है, इसी को लेकर के सारी चीज़ें, तो अगर नहीं मिलता है तो किसानों ने अब ये कहा है कि 8 तारीख को बंद का ऐलान किया भारत बंद का, क्या लगता है? देखिए, 8 तारीख को पूरे भारत में बंद का ऐलान किया है और पूरे एकजुट होकर किसान रोड पे उतर जाएंगे। आज का जो आज प्रदर्शन राजद कहें या महागठबंधन का जो प्रदर्शन था उसका
प्रदर्शन का एक ही लक्ष्य था कि पूरे किसान को समर्थन करें और एकजुट होकर रोड पे उतरे, और 8 तारीख को पूरे भारत में किसान एकजुट होकर रोड पर उतरेंगे। इससे पहले अगर समाधान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो रुकने वाले नहीं है, ये प्रदर्शन जारी रहेगा और 8 तारीख को भारत बंद रहेगा, किसान एकजुट होकर रोड पर उतरेंगे। अब रही बात कि किसान और भारत सरकार के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, बात नहीं बन रही है। किसान कह रहे हैं कि आप कानून बनाने से पहले हमें परामर्श लेना चाहिए था, बताना चाहिए था, और सबसे बड़ी बात है कि आप लिखित प्रमाण दें, लिखित दिखाएं हमें क्या क्या लागू कर रहे हैं, और भारत सरकार इस चीज को मतलब दिखाना नहीं चाह रही है। वापस लेने की मांग साफ तौर पर किसान कर रहे हैं, वापस लिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब लिखित चाहिए। और जो छोटे मोटे प्रदेशों में भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसका भी पार्टी विपक्ष वाले यही कर रहे हैं कि जो कानून किसान बिल बनाए उसको रद्द किया जाए। साफ तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, दिल्ली में लगातार 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान मानने को तैयार नहीं है, सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है, और आज ये आखिरी दौर की मीटिंग है। जैसा कि किसान नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि अगर ये मीटिंग सफल नहीं होती है, आंदोलन करेंगे, पूरे देश में चक्का जाम करेंगे 8 तारीख को। अगर ऐसा होता है तो 8 तारीख को एक बड़ा आंदोलन भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि किसानों की आबादी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, और ये सिर्फ ना सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ ये मामला है, बल्कि बिहार समेत पूरे भारत के किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। धीरे धीरे आप खुद देख रहे होंगे कि जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई उस समय किसानों की संख्या कम थी, लेकिन जैसे ही अब वक्त बीतता गया वैसे वैसे किसानों की संख्या बढ़ने लगी। सभी किसान अब दिल्ली में एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं आपको बता दें कि कई तरह के संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है इस आंदोलन को। इसी तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए NBC 24। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। NBC 24, सच की ताकत।